महेंद्र सिंह धोनी को लेकर लगातार पिछले दो दिनों से ये खबर निकल कर आ रही है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि धोनी एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच होने वाले T20 सीरीज के मैचों में एशिया 11 की कप्तानी करने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सचमुच ऐसा होगा, क्या सचमुच धोनी कप्तानी करेंगे या सिर्फ ये एक कोरी अफवाह है। तो बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है दोस्तों मैंने इस खबर का, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आप भी MCP क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस पूरी खबर की पड़ताल के लिए सबसे पहले हमें सिर्फ एक चीज जाननी थी, देखनी थी, समझनी थी, और वो चीज यही थी कि क्या धोनी इस सीरीज में खेलेंगे भी या नहीं, क्या इसका हिस्सा बनेंगे या भी नहीं। तो इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन धोनी के लिए थोड़ा सा केस अलग है। दरअसल दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। इसके कारण कई सारे हैं। पहला कारण यह है कि शायद अब ODI क्रिकेट में हम इनकी जगह नहीं देख पाएंगे। अब शायद ODI क्रिकेट में धोनी को जगह ना मिले। ऐसी स्थिति में जो मार्च 2020 में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच 3 ODI और 3 T20 मैचों की सीरीज होगी, उसमें धोनी सिर्फ 3 T20 मैच ही हमें खेलते हुए नजर आएंगे। और ऐसी स्थिति में उनके पास समय बचेगा, उनके पास समय हो सकता है, और उस समय में BCCI ये डिसाइड कर सकता है कि वो जाकर इन दो मैचों की T20 सीरीज खेले, एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच। तो यहाँ पर चांसेस है कि धोनी इस सीरीज में जाकर खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास समय और स्लॉट बचा रहेगा। दूसरा चांसेस यह है कि पहले भी, बहुत समय पहले, अराउंड 7-8 साल पहले धोनी एशिया 11 टीम का हिस्सा बन चुके हैं, वो खेल चुके हैं। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि धोनी को कोई आपत्ति नहीं है इस तरह की लीगों में खेलने की, इस तरह की सीरीज में खेलने की। तीसरी बड़ी पॉइंट है कि धोनी यहां पर पैसों को इतनी ज्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि धोनी का अब वो स्लॉटिंग एंड चल रहा है एंड धोनी चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलें और अपनी क्रिकेटिंग को एंजॉय करें। तो ये 3-4 चीजें जो है वो ये बात को सजेस्ट करती है, बताती है, डिपिक्ट करती है कि धोनी जाकर खेल सकते हैं, इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल, जो सवाल सभी के दिमाग में है, भाई खेलेंगे तो मान लीजिए धोनी चले भी जाते हैं, खेल भी लेते हैं, पर क्या कैप्टेंसी करेंगे? क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से पिछले 2-3 सालों से धोनी ने कैप्टेंसी की नहीं, उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी है। और आखिरी बार एशिया कप में पिछले साल वो कैप्टन बनकर निकले थे जब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, विराट उस सीरीज का टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थे, तब धोनी कप्तान बने थे। तो क्या इधर कप्तान बनेंगे धोनी? तो भाई एक चीज आप समझ लीजिए कि ये जो लीग है ना, नंबर 1 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया है कि इस लीग में जो भी होगा वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा। मतलब कौन से प्लेयर खेलेंगे, कहां पर मैचेस होंगे, कितने बजे मैचेस होंगे, कहां कहां दिखाए जाएंगे और कौन कौन कप्तान होगा, ये सारी चीजें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा, ये BCCI ICC डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथों में है कि क्या वो धोनी को कप्तान बनाते हैं या नहीं। दूसरी बड़ी चीज, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फादर ऑफ द बांग्लादेश को ट्रिब्यूट देने के लिए सीरीज कर रहा है, तो वो जाहिराना तौर पर एशिया 11 का कप्तान एक बांग्लादेशी को बनाएंगे। शाकिब अल हसन वो प्लेयर हो सकते हैं, मशरफ मोर्ताजा को कप्तान बनाया जा सकता है। तो पहली तरजीह तो भाई किसी बांग्लादेशी प्लेयर की ही होगी जिसे कप्तान बनाया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। मेरे हिसाब से धोनी के कप्तान बनने के चांसेस हैं पर सिर्फ 10-12%, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने बांग्ला खिलाड़ियों को ज्यादा तरजीह देगा, क्योंकि वो उनका फेस्ट जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहां से भाई सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को भी कि धोनी करेंगे या नहीं करेंगे। और किसी भी खबर को पढ़ने से पहले, उसका थंबनेल देखने से पहले, आप ये सारी चीजें सोच जरूर लीजिए करिए, अपना क्रिकेटिंग दिमाग लगाया करिए, तो आपको सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। और नहीं तो माई क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।